अगर आपको डरना ही है ना, तो आप भगवान से भी मत डरो। आपको डरना ही है तो आप अपने बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि एक बार भगवान हमको माफ कर सकते हैं, लेकिन हमको हमसे किया गया बुरा कर्म जो है हमें कभी माफ नहीं कर सकता। वो तो दंड देगा ही, उसका फल हमें मिलेगा ही। जैसे कुआं में हम जो बोलते हैं वही आवाज जो है हमको वापस सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमको वापस फल मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भोगना ही पड़ेगा। हम जो है कर्म फल से भाग नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति लाखों प्रयास करके अपने परछाई से दूर नहीं भाग सकता, वैसे ही कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों प्रयास करके अपने कर्म फल से भाग नहीं सकता। कर्म फल को तो भोगना ही पड़ेगा। और हमारे संत लोग कहते हैं ना कि कर्म फल भोगने से ही खत्म होता है, भागने से खत्म नहीं होता है। इसीलिए बुरा कर्म कभी मत कीजिए। छोटे छोटे गलतियों से भी बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से ही लगती है, पहाड़ों से नहीं लगती। इसलिए बुरे कर्म कभी मत कीजिए, हमेशा अच्छा कर्म कीजिए। और उसमें भी जब जीवन में बुरे दिन आए, जब जीवन में दुख के दिन आए, तब तो हमें और अच्छा कर्म करना चाहिए। अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में दुख के दिन आते हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरे दिन आए, दुख के दिन आए, तो हमें और भी अच्छे कर्म करने चाहिए। एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिंदगी जब हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी जब रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जीवन में दुख आए तो और अच्छे कर्म करना चाहिए।